नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज मोस्ट प्रॉफिटेबल बैंक्स के बारे में, जिनके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हैं और जिनके नतीजे भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे और पोटेंशियल अपसाइड भी इनमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है, बहुत ही कम समय में मिलेगा। सेकंड चीज़, आपको लेने का तरीका मैंने बताया है। लेने का तरीका ये है कि जहाँ पर भी मार्केट आपको करेक्शन देता है, जब भी ये स्टॉक आपको करेक्शन पर मिलते हैं, तो ऐसे बैंकों को अगर आप ऐड ऑन करेंगे तो शॉर्ट टर्म में आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। और स्टॉक के बेनिफिट्स अब मैं आपको दिखाऊंगा, रिजल्ट के बाद किस तरीके का मूवमेंट आया ये भी दिखाऊंगा, और पूरी तरीके से लॉजिकल वे में एक रिसर्च करेंगे इस पर्टिकुलर चार बैंकों के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ कल देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन स्टॉक, और पहले से एक स्विंग ट्रेड स्टॉक दे चुके हैं हम लोग। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक की, और SBIN की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस देता है, और जिस तरीके से मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है तो आप समझ ही सकते हो कि मैनेजमेंट केवल कमेंट्री नहीं कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग द वैल्यू इन द स्टॉक आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट को इम्प्रूव किया है, जिसके बेसिस पे आप देखेंगे तो स्टॉक में वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर के नतीजों से पहले, इफ़ यू रिमेंबर, ये स्टॉक 330-340 के लेवल पे चला गया था, और आपको यही सजेशन दिया गया था कि क्वार्टर के रिजल्ट तक वेट करिएगा, देन आफ्टर दैट आपको बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद अगर आपने देखा होगा तो एक दिन में आपको 400 का भाव देखने को मिला था, और फिर आप जानते ही हैं 450 तक के लेवल आपको देखने को मिले। तो अभी भी देखेंगे 25% की डिलीवरेबल क्वांटिटी आपको देखने को मिल रही है। पिछले बार के नतीजे एकदम शानदार आए थे, आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर, एकदम शानदार नतीजे आपको देखने को मिल रहे थे। तो इसी तरीके से अगर इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता रहता है, लगातार रिजल्ट ऐसे ही आते रहते हैं, तो नतीजों के बाद इस स्टॉक में भी आपको बेहतर लेवल देखने को मिल सकते हैं, बशर्ते आपको यहाँ पर स्टॉक को देखिएगा, जो वेट करना पड़ेगा वो वेट ये करना पड़ेगा कि आपको गिरावट पे ही लेना है, भागे उस स्टॉक को नहीं पकड़ना है, गिरावट पे मिलेगा, चूंकि अभी रिजल्ट आने में टाइम है, डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, जब तक अनाउंस होंगी तब तक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट किन बैंकों को आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि गिरावट के समय सबसे बड़ी जो गलती होती है वो ये होती है कि हम लोग गलत स्टॉक पिक कर लेते हैं। तो जब स्टॉक में रिबाउंड भी आता है, मार्केट में रिबाउंड भी आता है, तो आपका पोर्टफोलियो ग्रीन नहीं होता। देखेंगे पिछले दो क्वार्टर में 50% के रिटर्न बना के दिए हैं, यू कैन चेक, पिछले दो क्वार्टर में 50% रिटर्न बना के दिए हैं, और अगर रिजल्ट बेहतर आते हैं तो आपको 450 तक के लेवल यहां पर देखने को मिल सकते हैं। कितने? 450 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में तो काफ़ी अच्छे लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फोकस करना है फॉर द शॉर्ट टर्म, जब भी करेक्शन पे मिले। सेकेंड स्टॉक हमारा होगा, तो देखिएगा आपको सबसे पहले चेकआउट करना है यहाँ पर, सॉरी वॉल्यूम देख लीजिएगा, वॉल्यूम आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलते हैं, लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है, लेवल्स आपको बताई दिए हैं, 450 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, और अच्छा ब्रेकआउट आता है तो मोमेंटम बनेगा वो, लेकिन लॉन्ग टर्म का बनेगा। लेकिन गिरावट अगर देखने को मिले इन स्टॉक्स में तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेकेंड स्टॉक जो है, जिसने 6 महीने में 7% के ही रिटर्न बना के दिए, ज़्यादा भागा हुआ स्टॉक नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ HDFC बैंक की, आजकल काफ़ी तेज़ी में है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हैं, और अभी आपको देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो डबल डिजिट देखने को मिलेगी, नेट प्रॉफिट डबल डिजिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डबल डिजिट। तो आप देख सकते हैं डबल डिजिट की ग्रोथ है, साल के अंत में 15-20% के रिटर्न आपको बना के दे देता है। तो आप ऐसे बैंकों पर फोकस करें जहाँ पर आपको पैनिक ना हो, गिरावट पे आप जितने भी चाहें उतने ऐड कर सकें, कॉन्फिडेंट रह सकें, बैंक में इनफ्लो बहुत बढ़ रहा है, डिपॉजिट बहुत हाई हैं, और काफ़ी अच्छी तरीके से डाइवर्सिफिकेशन है बिजनेस का, किसी भी तरीके से बिजनेस मॉडल में कोई भी करेक्शन नहीं है। तो HDFC बैंक एक ऐसा बैंक है जो 1600 के लेवल आपको टच करते हुए देखने को मिल सकता है, जल्द ही 1600 के लेवल ये टच करने को देखने को मिल सकता है, और जब उसके बाद मोमेंटम आएगा तो आपको काफ़ी बढ़िया वैल्यूएशन देखने को मिल सकते हैं। तो ये सेकेंड बैंक हो जाएगा जिसमें आपको काफ़ी बढ़िया वैल्यूएशन देखने को मिल सकते हैं। थर्ड बैंक हमारा है नन ऑफ दीज, ICICI बैंक।
इस स्टॉक में भी काफी पोटेंशियल है। अगर आप देखते हैं रिजल्ट के दौरान ये स्टॉक कम से कम 5% की रिटर्न देता है, यानी कि रिजल्ट के आसपास, रिजल्ट आने वाले होंगे उससे पहले 5% के पास के रिटर्न देता है। आप चेकआउट कर लीजिए, सारे चार्ट एनालिसिस कर लीजिए, पिछली बार के चार्ट देख लीजिए, 5% के आसपास आराम से रिटर्न बना के दे देता है। ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छे फंडामेंटल लगता है। आप देख सकते हैं 10% की रेवेन्यू ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे काफ़ी जंप देखने को मिला है, 33% का रेवेन्यू देखिएगा, नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डबल 20% की देखिएगा अपसाइड है। तो इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं फाइनेंशियल्स को, और यहाँ पर जो लेवल देखने को मिल सकते हैं, अगर 665 का लेवल टूटता है तो 685 के लेवल भी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो इन बैंकों पे आपको ऐसे ही फोकस करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वैल्यूएबल स्टॉक गिरावट पे खरीद सकें। अब जिस नेक्स्ट स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी देखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या इस बैंक में हुई है, नेट प्रॉफिट में पिछले 3 सालों में 150% की ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यूज में, नेट प्रॉफिट में। तो देखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंपनी रिबाउंड कैसे कर रही है, बैंक रिबाउंड कैसे कर रहा है, काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम बने हुए हैं बैंक में। सेकेंड चीज़, काफ़ी अच्छे प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं मार्केट को, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा एक्सप्लोरेशन चल रहा है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया पोटेंशियल अपसाइड देखने को मिल सकता है। दिग्गज ब्रोकरेज फर्म ने 800 के लेवल तक के यहाँ पे टारगेट आपको दिए हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं बात कर रहा हूँ एक्सिस बैंक की, तो देखिएगा एक्सिस बैंक ने भी पिछले 6 महीने में 13% के रिटर्न बना के दिए हैं, और आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छे पोटेंशियल लगता है। अगर 3 क्वार्टर भी इनके यहाँ से बेटर होते हैं तो 850 का भाव आपको देखने को मिल जाएगा। विद इन 3 क्वार्टर अगर आपको देखने को मिल गए, अच्छे देखने को मिल गए, तो यहाँ पर बढ़िया भाव आना तय है। पिछली बार अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट के बाद ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया भागा था, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आए थे, मोमेंटम भी आया था। अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, रिजल्ट अच्छे रहते हैं, तो इस स्टॉक में भी मोमेंटम आएगा। वॉल्यूम काफ़ी अच्छी है, अगर आप देखेंगे वॉल्यूम लिक्विडिटी बनी हुई है, और ऊपर की तरफ देखिएगा 675 का यहाँ पर पिछली बार की तरह रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये ब्रेकआउट होगा तो 800 का भाव आपको देखने मिलेगा। तो 775 के लेवल पे आपको फोकस करना है, कहीं पर भी गिरावट पे देखिएगा, 740 का इसका सपोर्ट है, गिरावट पे मिलता है कहीं पर मिलता है, 2-2, 4-4 करके स्टॉक को ऐड करिए, जैसे रिटर्न मिले शॉर्ट टर्म में आप एग्जिट भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म का व्यू भी इन बैंकों में बना सकते हैं। फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।